श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम ठीक और एकदम मस्त होंगे जी। तो देखिए क्या है, छोले, ठीक है, काबुली चना जिसको हम बोलते हैं। तो इसको मैंने पहले तो एक रात पहले भिगो के रख दिए थे और फिर सीटी लगाई है, ठीक है। तो 5 से 6 सीटी में पकते हैं, आपको पता ही है। तो इसमें खड़े मसाले डाल लिए थे थोड़े से, 2 तेज पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी, जो भी मतलब आपके पास खड़े मसाले हैं वो आप इसमें थोड़े थोड़े डाल लें, ठीक है जी। तो ये बॉईल कर लिए, ठीक है। तो आज बनाएंगे क्या पता है, देखिए छोले तो भटूरे बहुत खाए हैं आपने, भटूरों के साथ छोले, वैसे भी बहुत छोले खाए, लेकिन आज बिल्कुल जो प्रसाद में मिलते हैं जब भंडारा वगैरह कहीं कुछ होता है तो उस टाइम पे जब बनाए जाते हैं आलू छोले, ठीक है जी। तो जैसे आलू टमाटर की सब्जी पूरी के साथ बनती है, तो ऐसे ही आलू और छोले की भी एक रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है पूड़ियों के साथ, ठीक है, या चावल के साथ आप खाएंगे या पूड़ियों के साथ, जिसके साथ भी, रोटी के साथ, तो बहुत अच्छा ये बनता है, ठीक है। और बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलो जी, सबसे पहले कढ़ाई या पैन जो भी है ले लेंगे और तेल डालेंगे, देखिए जी 2 चम्मच, ठीक है, बढ़िया सा रंग आएगा। और तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे, ठीक है जी। तो तेल गर्म होने के बाद जीरा डालेंगे, तो आधा चम्मच जीरा, ठीक है जी, ये देखिए। और गैस बिल्कुल कम, ठीक है जी। अब इस समय पे क्या करेंगे, देखिए प्याज लहसुन तो हम डाल नहीं रहे, तो 2 टमाटर और 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया, ठीक है जी। तो वो डाल देंगे प्यूरी। तो देखिए साथ ही में डाल देंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ठीक है जी। और साथ में मसाले डालने से ये है कि एक तो जब ये टमाटर पकते हैं पानी होता है, ये पता है आपको, तो इसके अंदर जो है मतलब ये बाहर ना निकले, छींटे कम आए, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है जी। तो देखिए गरम मसाला बहुत कम और धनिया पाउडर डालेंगे, तो देखिए 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे, ठीक है जी। और देखिए रंग के लिए जो सुंदर सा रंग आता है कश्मीरी लाल, ठीक है, बहुत अच्छा रंग आएगा देखिए निखर के, तो 1 चम्मच छोटी, ठीक है जी। तो ये देखिए बस। तो देखिए जी साथ ही में नमक, और नमक स्वाद से, क्योंकि जब हमने चने बॉईल किए थे छोले तो उसमें भी हमने नमक डाली है, तो नमक बहुत सोच समझ के डालें जी आप। और मिर्चें, ठीक है, तो कश्मीरी मिर्च में तो पता ही है आपको मिर्ची बहुत कम होती हैं, सिर्फ रंग के लिए ज़्यादा होती हैं ये, तो इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगी कश्मीरी तो चलेगी। देखिए अच्छे तरीके से पकाएंगे, भूनेंगे, हाँ, जब तक कि तेल ना छोड़ दे टमाटर हमारे और मसाले। तो देखिए जी अब क्या करेंगे, तेल हल्का हल्का टमाटर और मसाले छोड़ने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो पता ही है आपको कि बिना भुने सब्जी का टेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ग्रेवी वाली सब्जी भी हम कैसे भुने। तो अब जो आलू लिए हैं मैंने, वो 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज के, ठीक है, तो उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था कुकर में और छील के रखे हुए हैं, ठीक है, और देखिए काट लिए इस तरीके से। तो सबसे पहले आलू साथ ही में, ठीक है, ताकि मसाले भुनेंगे तो आलू भी हमारे अच्छे से भुनेंगे और आलूओं के अंदर तक नमक मिर्ची मसालों का जो टेस्ट है ना, वो भी भुनते भुनते इस समय पे बढ़िया आ जाएगा। तो देखिए जी मतलब आलू भी भुन जाएंगे, मसाला भी भुन जाएगा, टमाटर भी भुन जाएंगे, ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो चलो भूनते हैं। तो देखिए जी आपके सामने सब कुछ है, हाँ, तो 2 मिनट अच्छे से आलू भुन चुके हैं, अभी साथ ही में डालेंगे छोले और पानी से कर लेंगे अलग, पर पानी फेंकेंगे नहीं, पानी हम इसी में ग्रेवी जब बनाएंगे तो उस पानी को हम यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो छोलों को अलग कर लें, क्योंकि छोले भी भूनना बहुत ज़रूरी है, और एक बार आप इस तरीके से आलूओं को और छोलों को भून के ना तड़के में और मसालों के साथ जब ये रेसिपी बनाओगे ना, तो आप खुद ही बोलोगे कि एक्चुअली में रेसिपी जो बनी है वो ये बनी है छोले और आलू की, ठीक है। तो देखिए चने, तो जो तेज पत्ता थे हमने वो हटा दिए, और जो मतलब मसाले आपको निकालने वो निकाल सकते हैं, फ्लेवर तो इनमें आ चुका है, और बाकी नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप मसालों के साथ खड़े मसाले जो हमने डाले थे उनके साथ भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, ठीक है, और गैस मीडियम या तेज जैसे आपको लगे उस हिसाब से कर लें। तो देखिए जी लगभग 5 से 6 मिनट, ठीक है, और गैस तेज थी और बीच बीच में हम लगातार हिलाते हुए हमने इनको भून लिया है, ठीक है। तो ये देखिए कितने अच्छे से आलू और छोले
बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, देखिए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो पानी था ना छोलों का बचा हुआ, तो सबसे पहले वो पानी, ठीक है। अभी पानी देखिए और डलता है, क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं काफ़ी, है ना, तो पता ही है आपको, और इतने पतले भी नहीं, मतलब ठीक ठाक ग्रेवी रहती है इनकी, तो पानी अगर और लगेगा तो हम और डालेंगे। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस पानी को डाल के। तो देखिए जी, अभी काफ़ी गाढ़ी है ग्रेवी, है ना, आप देख ही सकते हैं, और आलू भी हैं तो मैश होंगे, तो आलू भी पता ही आपको जब घुलते हैं, तो आलू भी जब घुलेंगे तो एक ग्रेवी और भी गाढ़ी होती है। और देखिए ये जो आलू हैं नए हैं, ठीक है, तो होता है कि थोड़े से खड़े रहते हैं ये आलू, इतने मतलब जल्दी नहीं घुलते हैं, तो आप इनको मैश भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जितना मोटा चाहिए उतने मोटे साइज के आलू आप इसमें रख सकते हैं, और छोटे चाहिए तो आप साथ के साथ इसमें फोड़ भी सकते हैं इनको अच्छी तरीके से। तो देखिए पानी और चाहिएगा, तो थोड़ा पानी और डाल लेंगे। तो देखिए जी कितनी अच्छी तरीके से, ठीक है, पक चुका है सब कुछ। देखिए कलर भी कितना बढ़िया छोले और आलू के ऊपर हमारा आया है। तो आप देखिए जी डालेंगे हरा धनिया ताज़ा ताज़ा, ठीक है, और अच्छी तरीके से एक बार कर लेंगे मिक्स। और देखिए जी बिल्कुल सिंपल और बिना प्याज लहसुन के आज बिल्कुल एकदम भंडारे वाले आलू छोले, मतलब एक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ कितनी अच्छे से शेयर की है, देखिए। तो एक बार आप भी घर पर ज़रूर बनाएं, और देखिए अभी इतने गाढ़े हैं ग्रेवी, इतनी थिक है ये, देखिए, तो और रखेंगे तो और गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको और पतली चाहिए तो आप इसमें उबाल के अलग से गर्म पानी डालें और थोड़ी देर फिर उबाल लें, 2 मिनट, तो ये जो है आपके ग्रेवी पतली भी हो जाएगी और सब कुछ अच्छे से पक भी जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए अब चाहे आप चावलों के साथ, चाहे रोटी के साथ, चाहे पूड़ी के साथ, गर्मा गर्म आलू छोले की रेसिपी का आनंद लीजिए। और बाकी देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप भी एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत अच्छी आपको ये रेसिपी लगने वाली है, बहुत पसंद आने वाली है, ठीक है जी। तो बाकी देखिए जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, और सुपर थैंक्स का बटन भी आप है अवेलेबल चैनल पे, तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, तो वो आपके मर्जी है जी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर कीजिए। तो बाकी देखिए खाइए पीजिए मस्त रहिए, जय श्री राधे कृष्णा।